चंद्र कला बतहु से कुछ उन्नते कुंकुम राग सोने पुण्रेक्षुपासां कुश पुष्पवान हस्ते नमस्ते जगदे कमात ओम नमः चंडिकायै। मंत्र महिमा कार्यक्रम को आपण को स्वागत। देखंतु ए संसार रे केवल मनुष्य गोटे मात्र जीव जे कि गोटे कथा को ही सदा बेले प्रति क्षण रे प्रति मुहूर्त रे प्रति घंटा रे प्रति मिनिट रे प्रति सेकेंड रे मानसिक स्तर रे खोजी बुले। से गोटे जिनिष हला धन टंका पैसा। आमर पत्नी विच्छेद हेले पितृ विच्छेद हेले मातृ विच्छेद हेले पुत्र विच्छेद हेले जे कौनसी कथार विच्छेद घटिले आमे संभाली जाऊ सही जाऊ रही जाऊ किंतु गोटिए कथार अभाव रे आमे केबे हेले विश्राम नेऊ ना ता ना हेला धन। सारा विश्व को यदि देखा जाए प्रत्येक देश केवल आकुलित व्याकुलित धन रोज करिबा पाई जे जेते धनी से सेते शक्तिशाली। धनी पादे न गच्छति एई पृथ्वीटी धन रे ही चाली बिना धन रे किछि हुए नाही। तेणु वेद रे उदात्त कंठ रे कहिछंती उच्च स्वर रे धनम वसुहु धन होचि सबु किछि बिना धन रे किछि होइ पारिब नाही। फेर जेते बेले बण जंगल रे पूर्ण थिला ए देश सेते बेले धनर कम आवश्यकता थिला कारण लोकमानंकर आवश्यकता कम थिला। वर्तमान लोकमानंकर आवश्यकता बढ़िबारे लागिछि तदनुपात रे धन उपार्जन करिबा पाई मध्य लोक प्रतिक्षण रे व्याकुलित होउछि। पाठ पढ़ुचि धन पाई चाकरी करिछि धन पाई जहा करुचि धन पाई बिना धन रे किछि हेले होइ पारिब नाही। तेणु एई धन कि भली भावरे मनुष्य को मिलिबो तार दुई गोटी मार्ग आमर वैदिक पंथारे मंत्र विज्ञान रे लेखा जाई धनर उपादेयता एवं धनर सुगम उपार्जन सुखरे कि भली धन उपार्जन करा जाई पारिबो। देखंतु भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ दुईटी मार्ग एई दुईटी मार्ग को जदि आपणे नै जिबे आपण तेबे जानिमे जे आपणंकर सबु किछि ठीक हे गला। किंतु मानिबाटा हला आपणंकर निश्चित भावरे मानि जिबा हला आपणंकर काम न मानिले आपण केबे हेले पाई पारिबे नाही। एक रे श्रद्धा दुई रे विश्वास एक रे श्रद्धा मन रखंतु एक रे श्रद्धा दुई रे विश्वास। श्रद्धा एवं विश्वास रे सह आपण जदि एई मंत्र विज्ञान रे निजर गति की विस्तार करिवे अर्थात एई मंत्र विज्ञान मार्ग रे आपण परिचालित हेबे तेबे आपण अचिरे निश्चित भाव रे धनशाली होई पारिबे। आसंतु देखिबा मंत्र महिमा कार्यक्रम रे किभली भाव रे मनुष्य को धन मिले एई कार्यटी देखंतु अत्यंत श्रद्धा सहकार करा जाए। गुरुवार दिन जे कौनसी शुक्ल पक्ष गुरुवार विशेषतः मार्गशीर मास रे काहिकि ना गीता रे मार्गशीर मास को ही मासर आद्य मास बोली कहा जाइछि सेटा हला शीर मास प्रथम मास मार्गशीर। तेणु मासानां
मार्ग शीर्षोऽस्मि। भगवान कृष्ण गीतारे अर्जुन को कहिले, हे अर्जुन मु ऋतुमानंक भितरे बसंत ऋतु, मास मानंक भितरे मार्गशीर मास। मार्गशीर मास रे मा धनदा मा इंदिरा लक्ष्मी वैकुंठपुरु भगवान को परित्याग करी मर्त्य रे मनुष्य मानंक पाख को आसंती तांक पुत्र मानंक धन दबा पाई। तेणु देखंतु संसार रे गोटिए कथा आपण सुनिले खुशी हेबे, जे भगवानंकर गोटिए पत्नी से होउचंती मा लक्ष्मी जगन्नाथंकर, तांकु समस्ते प्रतिक्षण रे टाणुचंती। तेणु बहुत विव्रत प्रभु जगन्नाथ जे मोर स्त्री को समस्ते ही नबाकु चाहूचंती, अर्थात लक्ष्मी की समस्ते चाहूचंती नबा पाई। तेणु से अत्यंत दुखरे आउ गोटे स्त्री की ग्रहण कले, से हेले सरस्वती। सरस्वती मध्य तद्रूपा तांकु मध्य समस्त भिड़िले नबा पाई। विद्या एवं धन ए उभय होउचंती जगन्नाथंकर दुईटी पत्नी, गोटे लक्ष्मी हेले अधिकारिणी आ गोटे हेले सरस्वती, उभयंकु समस्त पुत्र तांकर नबारे व्यस्त। तेणु देखंतु विद्या र अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती एवं धनदात्री देवी हेले माँ धनदा लक्ष्मी। ए लक्ष्मी किभली प्राप्ति हेबे ना मार्गशीर मास शुक्ल पक्ष गुरुवार दिन आपण एही व्रत को आरंभ करिबे। ये हेले अष्टलक्ष्मी व्रत। एही अष्टलक्ष्मी व्रत रे आपण प्रथमे कौन करिबे मु कहि रखे। प्रथमरे अलन स्नान, आपण सकाळु उठि अंधाररु अर्थात पांचटारु शुद्ध स्नान करि शौच होइ जिबे। गोटिए शुक्ल वस्त्र आपण परिधान करिबे एवं ललाटरे हलदिया एवं शुक्ल चंदन उभय मिसाई आपण लगेबे। चंदन हला कौन गंधशुंठी हलदी बासचंदन श्रीकर्पूर जाईफल याकु मिसाई आपण घोरी चंदन प्रस्तुत करिबे। प्रथमे मांक पाई चंदन किछि रखि देबे, केसर युक्त केसर बिता दिहरे युक्त करैबे शुद्ध केसर। आउ तापरे किछि चंदन ललाट रे किछि बेक रे उभय बाहु रे एवं किछि निज बक्ष देश रे धारण करिबे। गोटिए शुभ्र वस्त्र परिधान करिबे आउ गोटिए धळा लुगा बेढ़ाण आकार रे पकाइबे। आउ बेक रे गोटिए आपण पकाइबे पद्मपुष्कर माला। पद्मपुष्कर माला चिकनिया चिकनिया गोलिया गोलिया जुड़ा कि पद्म फुलरु सृष्टि हुए। पद्म पुष्प सुखी गले से भितर से बाहर 108 गोली सिथरे थिबो, याकु गोटिए बेकरे आपण पकेइबे। पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख होई आपण अवस्थान करिबे। ए भली बसी आपण महालक्ष्मीकर आराधना करिबे। ए जे आराधना करिबे आराधना करिबा पूर्वरु आपण गोटिए आस्थान रे श्रीयंत्र स्थापन करिबे। आपण बाजार रु गोटिए श्रीयंत्र किणिबे एवं यंत्र प्रति आपण यथेष्ट दृष्टि देबे जे यंत्रटी विधान अनुसार होइछि कि नाही। गोटिए ओळा काठ निर्मित ओळा काठ निर्मित गोटिए पीढ़ा आपण 16 इंच रु 18 इंच रे गोटिए पीढ़ा करिबे। जदि ओळा काठर हला भलो, जदि न हला महुल काठरे आपण करिबे 16 इंच रु 18 इंच विशिष्ट। एवं एई जे श्री यंत्र आपण आनिमे एई श्री यंत्र को आपण श्री सुक्त रे गोटिए श्रृंगी रे हलदिया पानी रे चतुष्सम गंध रे आपण ताकु स्नान कराइबे। स्नान कराई गोटिए हलदिया कपड़ा रे श्री यंत्र को पोछिबे एवं महालक्ष्मीकर जे मंत्र से मंत्र बोली से मंत्रटी हेला ओम हिरण्यवर्णांग हरिणी सुवर्ण रजत स्रदांग चंद्रा हिरणमयी लक्ष्मी जात वेदो ममा बह। एही मंत्र बोली स्थापन करिबे। वर्तमान गोटे छोटिया विरति नबा, विरति के पर कार्यक्रम जारी रहिबो।
ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ର ମହିମା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପୁନରାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନାୟାସରେ ଧନ କିଭଳି ଭାବରେ ଘରକୁ ଆସିବ। ବିନା କର୍ମରେ ତ ଧନ ଆସିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କର୍ମ କଲେ କିଭଳି ପ୍ରଚୁର ଧନର ଆଗମନ ହେବ ଘରକୁ, ତାର ଯେଉଁ କଥା ଏ ମନ୍ତ୍ର ମହିମା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାର କୌଶଳ ଏବଂ ତାର ସୂତ୍ର ଆମେ କହୁଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ଆଣିବେ, ତାକୁ ଯେଉଁ ଖଟୁଳିରେ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ସେ ଖଟୁଳିର ବସିବା ସ୍ଥାନଟି ଅର୍ଥାତ ସିଟ୍ ତଳ ସ୍ଥାନଟି ଗୋଟିଏ ଷୋଡ଼ଶ ଦଳ ପଦ୍ମରେ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥିବ। କାଠରେ କାଠରେ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ହୋଇଥିବ, ସେ ଭିତରେ ତାରି ଉପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ କପଡ଼ା ପକାଇ ସେଇ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ରକୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଉପରେ ବା ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଉପରେ ଆପଣ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଏବଂ ତା ଉପରେ ଆପଣ ଶ୍ରୀକର୍ପୂର, ଜାଇଫଳ, ଗୋରଚନା, କୁଙ୍କୁମ, କସ୍ତୁରୀ, କେଶର ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର କୁହାଯାଏ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ, ୟାକୁ ଘୋରି ଅଷ୍ଟଗନ୍ଧ ତାକୁ ଦେବେ। ମନ୍ତ୍ରଟିଏ ବୋଲିବେ, ଗନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଦୁରାଧର୍ଷା ନିତ୍ୟ ପୁଷ୍ଟା କରି ଶିଣିଂ ଈଶ୍ୱରୀ ସର୍ବଭୂତାନାମ ତ୍ୱାମ୍ୟହ ଉପଉଭୟେ ସ୍ତ୍ରିୟମ୍। ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲିକିରି ଚନ୍ଦନ ଟିକିଏ ଦେବେ, ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଫୁଲଟିଏ ଦେଲାବେଳେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରଟିଏ ବୋଲିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟିଏ କାହିଁକି ବୋଲାଯାଏ ନା, ମନ୍ତ୍ରଟି ବୋଲିଲେ ଖାଲି ଦବା ଆଉ ମନ୍ତ୍ରଟିଏ ଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହାତରେ ଖାଲି ଏମିତି ଧରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛି ନବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦେଖୁଛି ବସ୍ତୁଟା ପଦାର୍ଥଟା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ନିଅ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନେଉନାହିଁ। ଏହା ଲୋକରେ ହିଁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ମନ୍ତ୍ର, ଦ୍ରବ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଅଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମନ୍ତ୍ରକ ସମନ୍ତ୍ରକ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଦେଇନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବତା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ପୁନରାୟ ମନ୍ତ୍ରଟି କହି ରଖୁଛି, ଓମ୍ ଗନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଦୁରାଧର୍ଷା ନିତ୍ୟ ପୁଷ୍ଟା କରି ଶିଣିଂ ଈଶ୍ୱରୀ ସର୍ବଭୂତାନାମ ତ୍ୱାମିହ ଉପଉଭୟେ ସ୍ତ୍ରିୟମ୍। ଏହି ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ଗନ୍ଧ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଆପଣ ଗନ୍ଧ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପୁଷ୍ପ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତି ଆଦରଣୀୟ ପୁଷ୍ପ ହେଉଛି ପଦ୍ମପୁଷ୍ପ। ପଦ୍ମପୁଷ୍ପ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ଏକରେ ଶ୍ୱେତାର ବିନ୍ଦ ଅର୍ଥାତ ଧଳା ପଦ୍ମ, ଦୁଇରେ ରକ୍ତାର ବିନ୍ଦ ଅର୍ଥାତ ଲାଲ ଅରବିନ୍ଦ ବୋଲେ ଲାଲ ପଦ୍ମ। ଏଇ ଦୁଇ ପଦ୍ମରେ ମାଙ୍କର ଶ୍ୱେତ ପଦ୍ମ ପ୍ରିୟା ମାତା। ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ୱେତ ପଦ୍ମ, ଏଇ ଶ୍ୱେତ ପଦ୍ମକୁ ଆପଣ ଯେଉଁଦିନ ଦେବେ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ବି ଆଣିଲେ ଆପଣ ଚଳିବ। କାହିଁକି ନା ଆମର ପାଠ କହୁଛନ୍ତି, ସରୋରୁହଂ ପଞ୍ଚ ଦିନାନ୍ତରେ ପୁନଃ ମାଲୂର ପତ୍ରମ ଦିନ ସବତକୋପରି ଗଙ୍ଗାମ୍ବୁତୁଲ୍ୟମ ତୁଳସୀ ଦଲଂ ସଦା ପୁନର ପୁନର ଧୌତମିଦଂ ନିଯୋଜ୍ୟତେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ଏ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପୁଷ୍କରିଣୀ କୋଳରୁ, ପୁଷ୍କରିଣୀ ଗର୍ଭରୁ ଆପଣ ଚୟନ କରି ଆଣିଲେ, ତୋଳ କରି ଆଣିଲେ ସାତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ରହିବ। ଅର୍ଥାତ ଘରେ ରଖି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପଦ୍ମ ସପ୍ତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଦୈନନ୍ଦିନର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, 108 ପଦ୍ମ ଶ୍ରୀଯନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆପଣ ଚଢ଼େଇବେ, ଅର୍ଥାତ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର, ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ମାଙ୍କର ଓମ୍ ଶ୍ରୀଶ୍ଚତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଶ୍ଚ ପତନିଆ ବହୋ ରାତ୍ରେ ପାର୍ଶ୍ୱେ ନକ୍ଷତ୍ରାଣି ରୂପମସ୍ମିନୌ ବ୍ୟାତ୍ତମ ଇଶନ୍ନିଶାଣ ମୁମ୍ମୈଷାଣ ସର୍ବଲୋକୋମୈଷାଣ। ଏଇ ମନ୍ତ୍ର, ଇଏ ହେଲା ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର। ଯଦି ଏତେ ଲମ୍ବା ମନ୍ତ୍ର ମାଳା ମନ୍ତ୍ର ଆଜି ବୋଲି ନ ପାରନ୍ତି, ତେବେ ଓମ୍ ଶ୍ରୀଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ ଏହି ଏକାକ୍ଷରୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ବୋଲି
108 पद्म फूल आपण प्रदान करिवे। एही मंत्र प्रदान कले आपण निश्चित भावरे धन गृह को आगमन करिवो। पुनराय मंत्र टी कहि रखुछि, ओम श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्नीया बहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्याप्तम् ईशन्निषाण मुम्मईषाण सर्वलोकोन्मईषाण। एते लंबा मंत्र पढ़ी यदि आपण देई न पारंती तेबे केवल एकाक्षरी महालक्ष्मी मंत्र बोली देबे, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। एही मंत्र ही बोली आपण प्रदान करिबे। ए हला लक्ष्मी प्राप्ति कर परम सौभाग्य प्रदायन मंत्र। वर्तमान नवा गोटे छुटिया विरति, विरति परे पुनराय मंत्र महिमा कार्यक्रम जारी रहिबो। विरति परे मंत्र महिमा कार्यक्रम को स्वागत। देखंतु आपण जदि ओला काठर पीढ़ा पाइले करिबे, नचेत गंभारी काठ पीढ़ा आपण गोटे तैयारी करिबे। एई जो पीढ़ा आपण करिबे एटा गोटे विशेष गुरुत्व बहन करुछि। यार प्रथम रु आपण गोटे दिन निरूपण करिबे, सेउटी आपण निजे जदि पांजी देखि जानंती देखिबे, नचेत पांजी देखिबा जानुथिबा जने व्यक्ति के पचारिबे जे केऊ गुरुवार दिन आपणकर पांजी रे शोभन जोग अछि, शिव जोग अछि, साध्य जोग अछि, बरियान जोग अछि एवं शोभन जोग अछि। एही जोग गुड़िक र भितरु जदि गोटिए जोग गुरुवार दिन आपण देखंती सेही जोग रे ही आपण आरंभ करिवे। एही शुक्ल पक्ष गुरुवारे शोभन जोग रे, बरियान जोग रे, नचेत शिव जोग रे, साध्य जोग रे आपण आरंभ करिवे। तेबे कौन आरंभ करिवे आपण ना एउटी हैला अष्टलक्ष्मी पूजा। आपण कहिबे लक्ष्मी तो गोटे, अष्टलक्ष्मी कौन ना अष्टलक्ष्मी पूजाटा जदि आपण करा जाए, अष्टलक्ष्मी पूजा जदि आपण करंती तेबे अति शीघ्र माँ परम लक्ष्मी धनदा आपणक गृह रे प्रवेश करिवे एवं अनायासरे आपणकर घर गोटे मुद्रालय रे परिणत हब। देखंतु ए अष्टलक्ष्मी पूजा रे कुबेरंकु मध्य पूजा करा जाए एवं ए जो पद्म फूल गुड़िक आपण माँ को देबे, मु प्रथम रु कहिछि जे पद्म फूल आनी रखी पांच दिन पर्यंत दिया जाई पारिबो एवं ए पद्म फूल गुड़िक आपण देला बेले गोटे पद्म सहित सातोटी दुब मिसाई गोटे बिड़ा करी आपण माँ को कहिथिबा मंत्र रे प्रदान करिबे। एकाक्षरी महालक्ष्मी मंत्र नचेत श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्निया एही वैदिक मंत्र। देखंतु ए जो अष्टलक्ष्मी पूजा आपण आगरे चाउल बाटी करी गोटे धड़ा चाउल बाटी करी से जो पिठौ से गोटे आपण सुंदर पद्मटिए भूईरे करिबे, सेटा षोडश दल हो पार अष्टदल पद्म भी हो पार। से पद्म पाखुड़े आठ गोटी अक्षत पुंज बोले चाउल जगह उपरे गोटे चाउल गंडे गंडे थोई धड़ा चाउल अक्षत अरुआ चाउल तापर गोटे गोटे गुआ थोई फूल गंध चंदन दे प्राण प्रतिष्ठा करी से आठ लक्ष्मी नाम धारण करी आवाहन करी। से आठ गोटी लक्ष्मी नाम है ओम श्री आद्य लक्ष्मी नमः, ओम श्री विद्या लक्ष्मी नमः, ओम श्री सौभाग्य लक्ष्मी नमः, ओम श्री अमृत लक्ष्मी नमः, ओम श्री काम लक्ष्मी नमः, ओम श्री सत्य लक्ष्मी नमः, ओम श्री भोग लक्ष्मी नमः। ए जो आठ गोटी महालक्ष्मी नाम कहगला से भाग्यलक्ष्मी अछंती,
भोग लक्ष्मी मध्य अच्छा आउ अच्छा आद्य लक्ष्मी सौभाग्य लक्ष्मी ए जो आठ गोटी लक्ष्मी माता अष्ट सहचरी एम पूजा कले माता संतुष्टा हूँ कि भली पूजा करिव ना गंधा दयो पुनराय मंत्रटी कही रखे लेखंतु जदि मने रहुना आठ देवींकर नाम लेखंतु आद्य लक्ष्मी विद्या लक्ष्मी अमृत लक्ष्मी काम लक्ष्मी सत्य लक्ष्मी भोग लक्ष्मी पुनराय कहुची आद्य लक्ष्मी विद्या लक्ष्मी सौभाग्य लक्ष्मी अमृत लक्ष्मी काम लक्ष्मी सत्य लक्ष्मी भोग लक्ष्मी यही आठ लक्ष्मी की गंधादयो नैवेद्यांता पूजा पंचोपचारिका गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य याकु पंचोपचार पूजा कहा जाए यह साधारण पूजा जदि अधिक पूजा आपण करिबाक चाहंती दसटा उपचार करिपारिबे दसोपचार पूजा जदि आपण चाहंती कलियुगरे केवल षोडशोपचार पर्यंत करा जाए आपण अष्टलक्ष्मी को मध्य गोटी गोटी करी षोहळ उपचार पूजा करिपारिबे जहां अत्यंत कष्टसाध्य किंतु कले लक्ष्मी अति शीघ्र आलिंगन करिबे किंतु आपण पंचोपचार रे पूजा ही करिबे गंध पुष्प धूप दीप एवं नैवेद्य अष्टलक्ष्मी पूजा कले आपण निश्चित भावरे अति शीघ्र आपणकर कामना एवं बासना पूर्ण हेब तापर देखंतु लक्ष्मी होउचंती निधि माने माँ होउचंती गजसेविता तेणु आमर गजलक्ष्मी पूजा हुए गजेन जुगुता लक्ष्मी गजलक्ष्मी माँ हो लक्ष्मी गजंकर देहरे अर्थात गज को अर्थात हाथी को लक्ष्मी भाव रे लक्ष्मी रूप रे भारतीय संस्कृति रे पूजा करा जाए एवं गाई को माता रूप रे पूजा करा जाए ग्रहण करा जाए तेणु गजलक्ष्मी गज हाथी सहित लक्ष्मी पूजा अति कामना बासना परिपूर्ण करे ए लक्ष्मी अष्ट निधि अच्छा तेणु ए अष्ट निधि के मध्य लक्ष्मी सहित पूजा करा जाए एवं कुबेर को मध्य पूजा करा जाए देखंतु ए जो अष्टलक्ष्मी ए अष्टलक्ष्मी हेले आठ पाखुड़े अष्टलक्ष्मी की पूजा करा जिबो ओम अणिमने नमः पूर्व पाखुड़े मने रखंतु ओम अणिमने नमः पूर्व पाखुड़े ओम महिमने नमः अग्निकोण पाखुड़े ओम गरिमने नमः नैऋत पाखुड़े ओम लघिमने नमः नैऋत पाखुड़े ओम प्राप्त्यै नमः पश्चिम पाखुड़े ओम प्राकाम्यै नमः वायव्य पाखुड़े ओम ईशितायै नमः उत्तर पाखुड़े ओम बसितायै नमः ईशान्य पाखुड़े एही भली आपण एही अष्ट निधि के मध्य एही अष्ट निधि नगले माँ जानती नाही एही अष्ट निधि के मध्य आपण पूजा करिबे एवं शेषरे ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हंसौ जगत प्रसूत्यै नमः एही मंत्र 108 थर जप करिबे पुनराय मंत्रटी कही रखे आपण माने कलम कागज धरी लेखि रखंतु शुद्ध भावरे ओम ऐं अरे ऐकार अनुस्वार ओम ऐं ह्रीं हरे अनुस्वार दीर्घकार श्रीं तालव्यसरे दीर्घकार रफलाग अनुस्वार श्रीं क्लीं करे लफलाग अनुस्वार दीर्घकार हंसौ हरे अनुस्वार दंत्यसरे औकार हंसौ जगत प्रसूत्यै नमः पुनराय श्री रखंतु ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हंसौ जगत प्रसूत्यै नमः एही मंत्र प्रत्येक दिन स्नान परे देवतांकर गृह आगे ठिया होई प्रणाम करिवे लक्ष्मी वरदायिनी हेबे
ଏବେ ତ ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଓଂ ନମଃ ଚଣ୍ଡିକାୟୈ ମାତା ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକାୟୈ ନମଃ।